आज हम आप लोग के साथ फिनॉल और एनिलीन के कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट क्लास में करेंगे। तैयार हैं आप लोग? उसके लिए आपको थोड़ा सा बर्फ चाहिए, जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और इस बर्फ के अंदर हमको कुछ चीज़ें पहले से रेडी रखनी होंगी, तो मैं कुछ तैयारी कर देता हूँ। फिनॉल को उस टेस्ट ट्यूब में रख रहा हूँ और इसको ठंडा करने के लिए मैं रखने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा फिनॉल ले लेते हैं हम, और इस पूरे के पूरे फिनॉल को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इसी तरीके से हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में एनिलीन रख देते हैं ठंडी होने के लिए। तो ये चली गई इसके अंदर, और इसको भी डाल देता हूँ ठंडा होने के लिए। चूँकि हमको करानी है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन में आपको मालूम है कि हम लोग यूज़ करते हैं BDC बनाते हैं, तो एनिलीन पर हमें NaNO2 प्लस HCl डालना होता है, टेम्परेचर रखना होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में NaNO2 प्लस HCl मिला करके और उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मैंने इसमें निकाल लिया है NaNO2 और थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देता हूँ मैं HCl। ये देखिए, इसको हमने मिक्स करके और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए यहाँ पर रख दिया, ताकि ये भी ठंडा हो जाए। तो फिनॉल का जो पहला टेस्ट जो यूज़ करते हैं वो न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। तो मैंने छोटी सी ये बच्ची सी टेस्ट ट्यूब में फिनॉल रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा डाल देता हूँ फिनॉल। तो ये जा रहा है फिनॉल, और एकदम से न्यूट्रल एफिशिएंसी नहीं डालेंगे इसके अंदर हम, थोड़ा सा इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे। न्यूट्रल एफिशिएंसी हमने बना के रखा हुआ है, लेकिन हल्के से इसके से डिसोसिएशन को इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा मिलाऊंगा मैं इसके अंदर पानी। और जैसे ही मैं इसके अंदर न्यूट्रल एफिशिएंसी डालूंगा, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कलर, ये देखिए कलर, इसका कलर अब यहाँ पर वायलेट हो चुका है। देखिए, हमको करानी है कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन कराने के लिए अपने को चाहिए होता है एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में जब हम मिलाएंगे तब बनेगा BDC। उस BDC यानी कि बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड में जब आप डालेंगे एनिलीन, तब आएगा यहाँ पर येल्लो कलर एनिलीन के केस में, और फिनॉल के केस में ऑरेंज कलर। तो ये NaNO2 प्लस HCl मैंने भी आप लोगों के सामने मिलाया था, इसी NaNO2 प्लस HCl में मैं ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पर एनिलीन, और मैं इस एनिलीन को मिला करके इसको फिर ठंडा करने के लिए रख दूंगा। तो मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ एनिलीन, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि येलो कलर अभी से आना शुरू हो गया। क्यों आ रहा होगा येलो कलर? ये क्योंकि आपने एनिलीन NaNO2 प्लस HCl में डाली, तो सारा का सारा एनिलीन BDC में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, कुछ एनिलीन बच गया होगा, और उसी एनिलीन के साथ जो BDC वहां पर बना उसने रिएक्शन कर दिया। आप मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? हो क्या रहा है आपको मैं पूरी रिएक्शन दिखाता हूँ। देखिए, एनिलीन में आप NaNO2 प्लस HCl डाल रहे हो, NaNO2 प्लस HCl डालने से क्या बन रहा है? PHN2Cl, और यही PHN2Cl एनिलीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है यहाँ पर येलो कलर। तो चूंकि मैंने भी NaNO2 प्लस HCl के अंदर मिलाई थी एनिलीन, तो एनिलीन ने NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करके BDC बनाया, और वही BDC बाकी बचे हुए एनिलीन के पार्टिकल्स के ऊपर अटैक कर दिया होगा, इसलिए आपको येलो कलर ही पर दिख रहा होगा। ये येलो कलर ही पर बनना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो जो आप देख रहे होंगे नीचे का सोल्यूशन तो नहीं, लेकिन आपको ऊपर ऊपर देखेंगे ध्यान से, ये देखिए ऊपर ही ऊपर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ऊपर ही ऊपर ये ऊपर जो आप प्रेसिपिटेट देख रहे हैं, ये प्रेसिपिटेट जो ऊपर वाले हैं ये हैं येलो कलर की डाई बन गई है यहाँ पर, एजो डाई, जो कि आप पैरा अमीनो एजो बेंजीन जिसे बोलते हैं। और जो नीचे वाला सोल्यूशन है ये अभी भी रिमेनिंग जो सोल्यूशन है बचा हुआ, ये सोल्यूशन BDC का है, PHN2Cl का। मैं इसको फिलहाल फिल्टर कर लेता हूँ, नीचे का बचा हुआ अपना BDC निकाल लेता हूँ और इस वाले को अलग कर देता हूँ। चलिए हम दूसरी रिएक्शन करके देखते हैं। ये रहा हमारे पास फिनॉल जो हमने रखा हुआ था, फिनॉल में हम मिलाने जा रहे हैं NaOH, ये डायल्यूट NaOH में मिलाने जा रहे हैं, और बेसिक मीडियम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर मिलाने जा रहा हूँ BDC, जो हमने BDC भी बना के रखा हुआ था,
वही BDC फिल्टर कर लिया हमने और मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर बेसिक मीडियम में, और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और अभी थोड़ा सा और डलेगा इसमें तो ये प्रॉपर आपको ऑरेंज दिखाई देगा। और ये देखिए, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये हो चुका परफेक्ट ऑरेंज, जैसा कि फिनोल के केस में आता था, फिनोल में BDC डालते थे तो ऑरेंज कलर आता था, ये वही ऑरेंज कलर आता जा रहा है यहाँ पर। तो जनाब ये देखिए, और खूबसूरत ऑरेंज कलर यहाँ पर आपको दिखता हुआ, जो कि इसकी कपलिंग रिएक्शन के अंदर मिलता है अपने को देखने के लिए, ये वही ऑरेंज कलर यहाँ पर डेवलप हुआ। तो ये थे यहाँ पर फिनोल के टेस्ट, उम्मीद है कि आप लोगों को आनंद आया।